थर्ड पार्ट में हमने ये देखा था, ओके, एरिया ऑफ एडीसी हमने रिमूव कर लिया था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लॉग इनसाइड वाटर, ये फॉर्मूले से वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है, ओके, एंड एरिया ऑफ एडीसी ये मतलब निकल गया था, ठीक है, एरिया ऑफ ए डी सी ए, ओके, ये ओके। सो अभी एच एच मालूम करने के लिए हमको अभी ये देखना पड़े, एरिया ऑफ ए डी सी ए डी सी ए, तो इसमें दो चीज़ें, ओके, एक तो दो पार्ट है, ए डी सी ओ ए, और एक ये ए ओ सी, एक ट्रायंगल है ये है अपना, ये कर्व सरफेस है और एक ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस ए डी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ये हो गया। अभी एरिया ऑफ कर्व सरफेस ए डी सी ओ ए ये जो है पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 80 बाय थीटा बाय 180। अभी पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल मतलब पूरा जो एरिया ऑफ सर्कल है ये पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। अब ये 2 थीटा है, ओके, तो ये यहाँ पे 360 मतलब 360 मतलब 360 मतलब 360 जो पूरा सर्कल का डिग्री जो होता है वो 360 होता है, 360 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 180, ओके, इसको इसको डिवाइड बाय 2 करना होगा तो 1 माइनस थीटा बाय 180 आ जाएगा, ओके। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मैं हाँ पायर स्क्वायर 2 1 माइनस थीटा बाय 180, ओके, तो ये जो है ना 1 माइनस थीटा बाय 180 आ गया। एक्चुअली ये दोनों है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है दोनों, तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस ये हो गया, ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ओके, जो पिछले पार्ट में थर्ड पार्ट में आपको मैंने समझाया हूँ, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकल गया और एरिया ऑफ कर्व सरफेस ये है, ओके सर, दोनों को हम ना यहाँ पर मिला देंगे। अभी ये देखिए यहाँ पर दोनों को, ठीक है, दोनों को मिला दिया गया है, पाई आर स्क्वायर इक्वल इक्वल यहाँ पे, ओके, एंड ये हो गया, तो इसमें थीटा को अभी जब ये वैल्यू आ जाएगी 0.1979 पाई 0.3 1 माइनस 80 प्लस ये जो भी है, तो ये जो 0.199 थीटा की जो वैल्यू, थीटा की वैल्यू को हमको एक तरफ रख देना है, ओके, ये पूरा थीटा में आ गया, एंड जो नंबरिंग है ओनली नंबर्स है वो उसको एक साइड में रखना है, ओके। सो ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी 0.00157 थीटा, 0.9 cos theta sin theta, 0.0.0848, तो डिवाइडिंग द होल बाय 0.00157, ओके, सो डिवाइड करने पर ये थीटा, एक्चुअली ये जो थीटा रहेगा वो आपको ये थीटा -57.32 cos 50.41, ओके, लास्ट इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा। अभी इन कैलकुलेटर पुट थीटा इक्वल 60, ओके, और थीटा आपको इनपुट करना होगा तो -18 18.82 2.41 1.41 0.376 2.48, ठीक है, ये निकल जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो हाइट है ये तो हमको मालूम ही आ रही है, ये आर कॉस थीटा है, ओके, सो एच इज इक्वल टू आर प्लस 0. आर आर प्लस आर कॉस थीटा, ओके, ये हाइट है, ओके, आर प्लस आर कॉस थीटा, तो 0.3 0.3 cos 71.5, जो कि हमने यहाँ पे ये थीटा निकाला है 71.5, ओके, डिग्री है, 0.395 आ गया मीटर। सो गाइस इमर्जेंट डेप्थ जो है वुड गिव 0.395 मीटर है।